हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार या व्यावसायिक परीक्षा मंडल बहुत ही जल्द कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने वाली है, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थी को जिन्होंने 10वीं और कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षा दी है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका रिजल्ट बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आए। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, मैं उन लोगों के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद या रिज़ल्ट से पहले एक अलग ही प्रेशर रहता है विद्यार्थी के ऊपर कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, या एक्साइटमेंट रहता है कि रिज़ल्ट कितना अच्छा होने वाला है, कितना बेकार होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी स्टेट में टॉप आए, अपने स्कूल में टॉप आए, या अपने गाँव में टॉप आए, या अपने शहर में वो टॉप करके दिखाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन लोगों के पेपर भी बिगड़ जाते हैं। आप लोग खुद स्वयं देखते हैं रिजल्ट आने के पहले कुछ विद्यार्थी अपने इस रिज़ल्ट के कारण, कम नंबर के कारण, कम परसेंट के कारण बहुत बुरा एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिनका भुगतान उनके पूरे परिवार को, उनके माता पिता को पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है, उनके पूरे परिवार को पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है, उनके पूरे शहर को पूरी ज़िंदगी भर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ कम अंक आने से या कम नंबर आने से, कम परसेंट बनने से हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते कि हम अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर सकें। मैं सिर्फ आज उसी मैटर पर या उसी बात पर आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, या एक भाई जो अपने भाई का एक बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, या बहन जो अपने भाई की बहुत क्लोज फ्रेंड होती है, जो कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में है, जिसका रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने को कुछ ही दिन है, एटलीस्ट मुझे पक्की तारीख तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी लगभग रिज़ल्ट आने को एक सप्ताह करीब बचा हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार अपना कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के रिज़ल्ट परीक्षा परिणाम को घोषित करेगी, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर रिज़ल्ट खराब आता है तो आप लोग किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार ना करें जिससे वो उस व्यवहार के कारण कुछ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए जिसका परिणाम आप लोगों को पूरी लाइफ भुगतना पड़े। और उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये लाइफ का फैसला नहीं है, सिर्फ कम अंक है। एक बार अगर असफलता मिलती है तो उससे हमारी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपनी पूरी लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते, हम कायर नहीं बन सकते। सीधी सी बात यह है कि जो एक गलत कदम उठाता है वो कायर है, वो आगे कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो उसके रिज़ल्ट को अच्छा ठीक नहीं कर सकता। तो पूरे पेरेंट्स से, सभी पेरेंट्स से जिनके बच्चे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में हैं, उनसे फिर एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी से उन पर ध्यान दें, क्योंकि वो उनका अगर एग्ज़ाम बिगड़ा होगा, पेपर खराब गए होंगे, एग्ज़ाम खराब गए होंगे, तो उनके अंदर एक प्रेशर होगा कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। तो आप लोग उनकी देखरेख में रहें या फिर उन लोगों के साथ ऐसा माहौल बनाएं कि उन लोगों को उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का किसी भी प्रकार से कोई प्रेशर ना हो, वो परेशान ना हो। जो भी होगा रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, देखा भी जाएगा, या फिर अगर रिज़ल्ट बेकार भी आता है, रिज़ल्ट खराब भी आता है, किसी कारणवश वो फेल हो जाता है, अगर उसके पेपर बेकार गए होंगे, एग्ज़ाम अगर गलत गया होगा, बेकार गए होंगे, तो आप लोगों को उन लोगों को समझाना है ताकि वो लोग समझ जाए, उन लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा परिवार का रहता है, दोस्तों का रहता है, आसपास के माहौल का रहता है, तो उन लोगों को दुष्प्रेरक ना बने आप लोग। आप लोग कम से कम उन लोगों को अच्छी सलाह दें कि अगर फेल भी हो जाते हैं या कम नंबर भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से बढ़कर नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ मिली है। और एक चीज़ और बता दूँ उन विद्यार्थियों को जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है भाई, ये उन माँ बाप की ज़िंदगी है, वो माँ बाप है जो तुम लोगों को देखकर ही अपनी पूरी लाइफ अच्छे से गुजार पाते हैं। क्योंकि अगर तुम गलत कदम उठाते हो तो इसका सीधा सीधा फर्क माँ बाप के ऊपर जाता है, पूरे परिवार के ऊपर जाता है, जिससे कि उन लोगों की पूरी लाइफ परेशानी में आ जाती है। और एक और चीज़ कि वो लोग कायर होते हैं जो इतना गलत कदम उठाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, उन सभी पेरेंट्स को या उन बच्चों को सतर्क करें, अपनी देखरेख में रखें, ताकि वे किसी प्रकार से परेशान ना हो और किसी प्रकार का टेंशन ना लें। अगर मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम से कम आप लोग कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और फिर से मैं आप लोगों को जो कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में, जिनका परीक्षा परिणाम अच्छा आने वाला है, उन लोगों को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से मिलते रहूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा 12वीं के मैथ्स से संबंधित होंगी, क्योंकि चैनल का नाम ही मैथमेटिकल जर्नी है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र के और इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों से शेयर करता रहूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स से, खासकर रिश्तेदारों से, जो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि हमारे बच्चे ने कम परसेंट बनाया है या किसी ने कम परसेंट बनाया है, इतने परसेंट को आगे लेकर क्या जाओगे, इतने कम नंबर को लेकर आगे क्या जाओगे, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई टच में है या आपसे कोई रिलेटेड है या आपसे कोई संबंधित है जो कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में है, उसका हौसला बढ़ाना, हौसला गिराना नहीं, क्योंकि साल एक बार फिर से आ सकता है, हम 10वीं, हम कक्षा 12वीं के पेपर फिर से दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे माता पिता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी हुई इस ज़िंदगी को फिर से नहीं ला सकते। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मेरे इस चैनल पर मैं आप लोगों से बार बार मिलता रहूँगा, अपने वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।